अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो भाई भी मेरी वीडियो पर नया आए वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो को वॉच भी करे और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जी ये एक बैड न्यूज़ ये है जी, बैड न्यूज़ तो ऐड नहीं, ये जो मेरी वाइट मुर्गी थी चूज़ों वाली, कल मेहमान आए थे हमारे घर तो वो चूज़े ले गए। एक चूज़ा बस मैंने रख दिया अभी, वाइट जो पेपर वाइट है जैसे मुर्गी जैसे ही है। बाकी चूज़े जो है 6 चूज़े थे टोटल इसके, एक चूज़ा जी रह गया, बाकी 5 वो ले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमें और दे देंगे और निकलवा लेंगे। तो फिर मैंने इनकार नहीं किया, बन जाए मेरे, तो मैंने कहा ले जो यार आप। ये देखें जी, अब फिलहाल एक इसका चूज़ा रह गया, बहुत शोर मचा रहा था। अच्छा वो भी चुप कर गया कि बाकी जो इसके फ्रेंड्स थे भाई थे वो भी चले गए, तो अब ये चुप हो गए हैं। नहीं तो कल मुर्गी ने भी बहुत शोर मचाया जब रात को ले गई हैं, तो तब तो मैं वीडियो बना नहीं सका। तो खैर बाकी जानवर को अब देख लेते हैं। मुर्गियों के लिए जो है ना वो 13 नंबर फीड लेकर आया हूँ, तो ये जो फीड है मैं इनको डाल लेता हूँ। ये 13 नंबर फीड इनको डाल रहा हूँ जी अंडों के लिए। मुर्गियाँ जो हैं अंडों पर जल्दी आती हैं और अंडों की जो अफजाइश है वो ज़्यादा होती है। अभी फ़िलहाल इनको जो 13 नंबर फीड डाली है और बाकी जो है वो पट्ठे और जो चूज़े पड़े हुए हैं वो अभी बंद किए हुए मैंने। छोटे चूज़ों को भी मैंने अभी दाना डाला है, अपनी माँ के साथ खा रहे हैं। और ये जो मुर्गी जिसकी टांग का मसला बना था अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकवर कर रही है जी, शुक्र लगा, खा पी भी रही है। अब बस टांग थोड़ी फ्रैक्चर है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, कहा मैं कुछ इसके मुंह पे, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब इसको बंद कर देंगे, इसको बाहर नहीं निकालना। ये फीड खा रहे हैं जी 13 नंबर अंडों की अफजाइश के लिए ना। तब तक मैं दूसरी मुर्गियाँ छोड़ लेता हूँ जी। सभी बर्ड्स के आगे से मैंने कपड़ा उतार लिया, तो उतारने का मकसद ये है कि ज़रा एकदम से इनको मैं बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि ज़रा एकदम गर्म सर्दा हो जाए। तो छोटे बड़े पट्ठे मिक्स ही किए हुए चूज़े, अब इनको खोल लेते हैं। याद जी तुम इससे बाहर आ जाओ माशाल्लाह जी। अब इन सभी को जो है दाना डाल लेते हैं, सारे हैर से बाहर आ गए, उनके अब दाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। इन सबको मैं दाना डालता हूँ और आज इनके लिए स्पेशल एक चीज़ भी लेकर आया हूँ मैं, देखो चावल है और उसमें मैंने ना सालन मिक्स किया हुआ चावलों में ना। एक मेरे भाई हैं मेरे व्यूवर ने, उन्होंने मुझे कहा जी चावल आपने सादे नहीं इनको डाल, सालन को ऐसा भी सालन मिक्स कर लिया करें जो बचा हुआ हो। तो मैं सालन इसमें मिक्स किया हुआ वो इनको अब डालता हूँ। उससे पहले इनको पहले मैं बाजरा और जो दाना ना वो पहले डालूँ, उसके बाद फिर ये डालूँगा। तो वो मैं निकाल ले तो इधर मैंने रखा हुआ है। ये खा ले, रूटीन तो आप लोगों से शेयर करता हूँ मैं, तो अब ये फिलहाल ये खा ले, उसके बाद इनको चावल सालन वाला मिक्स किया हुआ डालूंगा चावल। जी माशाल्लाह से सभी जानवर को मैंने चावलों में जो सालन मिक्स किया हुआ था वो सारा डाल दिया हेड से। मुर्गियाँ छोटे चूज़ों वाली मुर्गियाँ भी लेके मैंने चूज़े फेड़ी हैं, जो सबसे छोटे चूज़े हैं ना वो मुर्गी को मैंने बाहर नहीं निकाला, बाकी जो बड़े चूज़े थोड़े हो गए वो मुर्गी के साथ बैठ फेड़ रहे माशाल्लाह से। तो चावल भी हेड से इन्होंने खा लिया, दाना भी इनको डाल दिया, यानी कि मुनासिब सी मकदार में डाला ताकि जो है ना हैवी ना हो इनका काम। और जिन कबूतरों ने बच्चे दिए हुए उनको भी मैंने जो है ना दाना पिंजरे में डाला, डालता तो मैं एक टाइम था लेकिन अब बच्चे निकले हुए तो डबल डबल ड्यूटी इन भी इनकी भी देनी पड़ती है। ये देखिए जैसा कि अभी मैंने इसमें दाना डाला है
और इसको भी डाला मछली, उन्होंने खा लिए, इनके बच्चे निकले हुए हैं ना, तो इसके अब इनके आगे पानी रख दूंगा और बाकी जो अभी उनके बच्चे भी निकलने अभी निकले नहीं है तो इनके आगे भी पानी रख दूँगा और मुर्गियों के आगे भी पानी रख दूँगा, मल्टी विटामिन वाले पानी रखूँगा मुसलसल 3 दिन लगातार वो मल्टी विटामिन वाला पानी पिलाना है इनको। तो उसके बाद बेशक हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, वो टेंशन कोई नहीं है। आप भी सभी जानवर को इस तरह ही दिया करें मेडिसिन वाला पानी, उससे जो है ठीक रहते हैं। अब मैं पानी बना लेता हूँ फिर इनको डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी मैं इनको पानी पिलाने वाला हूँ, ये पानी पी, बच्चे निकले हुए हैं इसलिए इनको दाना और पानी जो है ना रखना पड़ता है, पानी में अंदर देर तक रख नहीं सकता, अगर रखा तो ये नहाना शुरू कर देते हैं, फिर वो पिंजरा गीला हो जाता है, फिर कीड़िया यदि मच्छर आ जाता है, मच्छर से भी जो जानवर जो है ना बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पानी अंदर नहीं रख रहा। जैसे ही इन्होंने दाना खा लिया अब ये पानी पी रहे हैं, पानी पी के बच्चों को दाना देंगे तो पानी फिर मैं उठा दूंगा। ये देखिए जी दाना पानी करने के बाद अपने बच्चों को फीड दे रहे हैं, ये वाला जोड़ा जो है माशाल्लाह। अब इसके बच्चे भी फीड मांग रहे, मुझे देख एकदम रुक गई है, तो खैर इनका दरवाज़ा कर देते हैं बंद, खुद ही खिलाते रहेंगे। आज की वीडियो जी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।